जय श्री राधे। चौथा अध्याय, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, उसकी कहानी। अधिक मास कहने लगा, हे नाथ, हे कृपा निधे, मलमास मेरा नाम है। मैं बलवानों से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझको उन लोगों ने शुभ कर्म वर्जित अनाथ और सदैव घृणा की दृष्टि से देखा। अब आपकी दयालुता कहाँ गई, कठोरता क्यों हुई? इस प्रकार भगवान से कहकर मलिन मुख मलमा श्री कृष्ण के आगे आंसू बहाता हुआ बैठ गया। तब द्रवीभूत हरि आगे बैठे दीन बदन मलमा से कहने लगे, हे तात, तुम अत्यंत दुखों में डूबे हो, सो ऐसा भारी दुख तुम्हारे मन में क्या है? तुम किसी प्रकार का सोच मत करो, मैं तुझे दुख में डूबे हुए का उद्धार करूँगा। मेरी शरण में आकर तुम सोच करने योग्य नहीं हो। नारायण बोले, ऐसे भगवान के वाक्य सुनकर मलमास दुखी होकर मधुसूदन भगवान से बोला, हे भगवान, आपको सब ज्ञात है, आपके बिना इस संसार में कुछ भी नहीं होता। हे भगवान, मेरे दुर्भाग्य की पीड़ा क्या आप नहीं जानते? तो भी हे नाथ, दुख रूपी फांस में फंसा हुआ जैसा दुख किसी को न हुआ न देखा, सो आपसे कहता हूँ। क्षण मुहूर्त पक्ष मास और दिन रात्रि अपने स्वामी की आज्ञा से सदा भय रहित होकर आनंद करते हैं, परंतु न मेरा कोई नाम है, न मेरा धर्म, न कोई मुझको आश्रय देने वाला है। इसी से सब देवताओं ने मेरा निरादर किया है और शुभ कर्मों में यह मलमास वर्जित है, ऐसा सभी अंध परंपरा से कहते हैं। इसीलिए मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता। हे नारद जी, मैं मरूँगा, इस प्रकार बारंबार कहकर मलमास शांत हो गया।